सर पहले बहुत बहुत बधाई, आपने भारत के लिए कोटा जीता एंड अब आप पेरिस भी जा रहे हो। जी एंड दूसरे बात, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हम पूरी ऑफिस की टीम से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। कौन सा स्पोर्ट खेलते थे आप? मैडम, अगर बचपन की बात करें तो इंडिया में मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसा होगा कि जिसको क्रिकेट पसंद नहीं होगा। तो मैं भी मतलब पढ़ने में अच्छा था और क्रिकेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो काफ़ी क्रिकेट भी खेला है लाइफ में, और शायद अंडर 17 के ट्रायल्स भी मैंने दिए थे। आपका ऐसा कुछ एम्बिशन था कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता था, तो अगर मैं क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता, उसके लिए काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारी अप्रोच, और जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ था नहीं कि जिससे मैं उस लेवल तक पहुंच पाता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैं 10th या 12th करने के बाद अपना आर्मी रैली में जाऊंगा, आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा, बस फाइनल। इससे अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब कुछ सोचा नहीं था दिमाग में कि इससे ज़्यादा कुछ करूंगा, बस देश की सेवा करेंगे और वहां से सैलरी आती रहेगी, परिवार का पालन पोषण चलता रहेगा। देश की सेवा करना भी एक बहुत बड़ा एम्बिशन होता है सबके लिए। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि देश की सेवा करने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता है, तो हमें मतलब वहां ना होके यहाँ आके मिला, ये भी बड़ी बात है हमारे लिए कि जब दो पैरों पे चलते थे, दौड़ते थे, तब नहीं मिल पाया, लेकिन जब हम इस जगह आए तो हमें मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौका आपको कहीं भी, किसी भी जगह और किसी भी टाइम, किसी भी हालात में मिल सकता है। तो इंसान वही है, चैंपियन वही बनते हैं जो मिले हुए मौके को हाथ से गंवाते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो मौका मिला मैंने गंवाया नहीं। बहुत बढ़िया सर। सर एक एक टाइम पे जब आपकी लाइफ में जब वो घटना हुई एंड उस चक्कर में आपकी पूरी लाइफ पूरी बदल गई, जी तो उस जर्नी के बारे में आप हमें कुछ बताइए। मैडम, 2009 मंगलवार का दिन था, सुबह के 8:32 से 35 मिनट होंगे जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था, और गाड़ी ने 7 बार पलटा खाया था ऐसे, और उसमें हम 9 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, और गाड़ी 70 मीटर नीचे गहरे खड्डे में गई थी, जिसको अगर हम फुट में नापें तो वो 400 फुट के आसपास होता है। वहां पे जिंदा बचना मैं मानता हूँ कि भगवान की, या जो मैं अपने माता पिता की सेवा का भाव जो अपने दिल में रखता हूँ, बस उसी वजह से हो पाया, नहीं तो इतने दूर से शायद ही कोई बचता। ये मतलब बहुत दर्दनाक घटना बताई आपने। जी आर्चरी आपके जीवन में कब आया और आर्चरी ने आपकी लाइफ को कैसे बदला? मैडम, ऐसा था कि 2017 2009 में एक्सीडेंट हुआ, 13 तक तो ज्यादातर बेड पे ही रहा, 13 के बाद मैंने बताया जैसे आपको कि मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मतलब भगवान की जो मर्जी थी उसके आगे तो किसी की नहीं चलती। उसके बाद मैं रोड पे बैठ के, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल रोड साइड पे है, तो मैं रोड पे व्हीलचेयर पे बैठ के मोबाइल रिचार्ज का काम करता था, तो जो रोड में आते जाते लोग थे वो मेरे से रिचार्ज वगैरह करवा लेते, मेरा टाइम पास हो जाता और थोड़ी बहुत कमाई हो जाती। तो 2017 की बात है, जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी शुरुआत तो 2014 में हुई थी, श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस स्टेडियम का उद्घाटन भी किया था, लेकिन उसमें जो आर्चरी जो स्टार्ट हुई थी वो जून 2017 में हुई थी। वहां पे मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी को नियुक्त किया गया था। जब श्राइन बोर्ड में जॉब होती है तो उसका मेडिकल के लिए श्राइन बोर्ड का ही हॉस्पिटल है, वहां पे जाना पड़ता है, तो वो हॉस्पिटल का रास्ता मेरे घर के पास से होकर जाता है। तो मेरे कोच ने मेरे को व्हीलचेयर पे देखा, मेरे से बात की, मुझे मोटिवेट किया, मुझे बताया कि आर्चरी गेम है। तो मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे आर्चरी नहीं पता थी क्या होता है, तो मैंने उनको यही कहा कि सर मुझे पता नहीं है होता क्या है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये चीज बताने से पहले ये कहूंगा कि तुम कल आओ, देखो, तुम्हें अच्छा लगे तो कर लेना। इतना कॉन्फिडेंस दिखाया उन्होंने। हाँ, तो मैं दूसरे दिन गया, जब मैंने वहां पे देखा तो वहां पे कुछ लकड़ी का धनुष थे, कुछ मतलब ऐसे धनुष थे जिनको मैंने देखा ही नहीं था पहले कभी, तो
तो जब देखा बच्चे चला रहे थे तो मैंने उनको हाँ बोल दिया कि हाँ सर मैं ये करूंगा, पता नहीं भगवान की मर्जी होगी। लेकिन एक चीज जो मेरे दिमाग में उस समय नहीं आई, बाद में आई कि मैं यहाँ हाँ तो कर दिया, लेकिन ये 3.5 किलोमीटर जाना है और 3.5 किलोमीटर आना है। अच्छा। और मैं डेली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, और जो मैं मोबाइल रिचार्ज का काम करता था तो नेचुरली मेरा बंद होने वाला था, और उसमें भी मैं 300 रुपए दिन के कमा नहीं पाता था, क्योंकि जब मैंने किसी ऑटो वाले से बात की तो उसमें मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरा छोटा भाई है और मेरी तीन मेरे से बड़ी बहन है, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मैंने आर्चरी ज्वाइन जून 2017 को मैंने आर्चरी शुरू कर दी थी। और शुरू करने के बाद मैं पहला नेशनल, जो हमारा पैरा नेशनल चैंपियनशिप सिकंदराबाद हैदराबाद में हुई थी, वहां मैं गया था। तो वहां पे जब मैं खेला तो मेरा 17वां रैंक था, मैं 17वें नंबर पे आया था वहां पे, लेकिन वो टाइम इतना कम था क्योंकि 27 जून को मैं शुरू कर रहा हूँ और 14 जुलाई को नेशनल था, तो टाइम भी कम था। लेकिन मैं वहां ये सीख गया था कि अगर मुझे आर्चरी करना है तो मेरा लेवल यहाँ नीचे है, तो मुझे इस लेवल तक आना है, तो मुझे मेहनत करनी है। तो उसके बाद जब मैं वो नेशनल खेल के आया था तो मैंने मेहनत शुरू कर दी, और मेहनत वैसे नहीं की जैसे जैसे मेरे कोच मुझे सिखाते गए, मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया। मैं आज भी अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मैं एशियन चैंपियन हूँ, तो मैं वही करता हूँ जो मेरे कोच मुझे कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूँ। उसी का नतीजा है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो यहाँ से आर्चरी की शुरुआत हुई, बस वो शुरुआत क्योंकि मेहनत करना छोड़ी नहीं, मैं छुट्टी नहीं लेता, ये मेरा एक सबसे बड़ा रीजन है। आई थिंक पूरा देश शुक्रगुजार है उन कोच का जिन्होंने आपको बोला, प्रेरित किया कि आप आर्चरी में जाइए। आपने सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी सपोर्ट की, फैमिली का सपोर्ट। आप जिस दौरान आपका एक्सीडेंट हुआ उस दौरान कितना महत्व या आर्चरी में कितना महत्व था उस सपोर्ट का फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आपके फैमिली तरफ से? मैडम जहाँ तक बात है फ्रेंड्स की, तो मैं बात कहना नहीं चाहता हूँ, मैं दोस्त नहीं बनाता, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है कि आज तक मैंने जितने भी दोस्त बनाए जितने भी, उन्होंने पीठ में ही खंजर मारा है मैडम। तो दोस्ती की जब बात आती है तो मेरी आंख से आंसू निकल जाते हैं, मैं दोस्तों को पसंद ही नहीं करता, दोस्ती पसंद नहीं करता, क्योंकि लोगों को दोस्ती का मतलब ही नहीं पता है मैडम। दोस्ती मेरी नजर में श्री कृष्ण और सुदामा जी की थी, उसको दोस्ती आप कह सकते हो कि श्री कृष्ण जी ने अपना सब कुछ दे दिया, हम किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन कम से कम ये है कि अगर आप कुछ दे नहीं रहे, कुछ ले नहीं रहे, तो कम से कम अगर कुछ करना है आपको तो सीने पे आके करो। वो लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दोस्ती नहीं करता। और रही बात सपोर्ट की, तो फैमिली का सबसे ज्यादा सपोर्ट आज तक मुझे मेरे पिताजी का रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, मेरी माता जी भी नहीं, मेरी माँ को आज भी नहीं पता कि आर्चरी क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि उनका बेटा करता क्या है, उनको सिर्फ ये पता है कि उनका बेटा तीर चलाता है, बस इससे ज्यादा नहीं पता। मेरी वाइफ को नहीं पता। आपको टीवी पे देख के खुश होते हैं? खुश बहुत होते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ये गेम कैसे होता है, कैसे खेला जाता है, इसके लिए क्या करना है, उनको कुछ नहीं पता। तो मेरे पिताजी ने कभी मेरे को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उससे पहले मैं प्लम्बर का काम किया करता था, तो मैंने करीब 70 से 80 हजार रुपए कमा रखे थे अपनी सेविंग, और उस समय मेरे एक्सीडेंट में 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था, मतलब 15 दिन के अंदर, और वो सब मेरे पिताजी ने किया। मेरे पिताजी ने किससे कर्जा लिया, क्या किया, आज तक मुझे नहीं पता। वो उन्होंने कैसे, मतलब वो वापिस किया, कैसे किया, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पिताजी की उम्र 62 ईयर्स थी, तो मेरे जब डेथ हुई थी तो मेरे पिताजी 78 ईयर्स के थे। तो मैं नहीं समझता कि पिता से बड़ा कोई है, माँ सब कुछ करती है, मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान मेरी माँ है, लेकिन जो पिता कर जाता है ना, वो मैडम मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई आपके साथ दूसरा करेगा। मतलब ऐसे पेरेंट्स को हमारा सलाम है। सर आपने बात की थी आपके एक्सीडेंट की, और आपने बताया था कि आपने जीवन में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जी। यूजुअली कोई अगर मनुष्य उस चीज से गुजरे तो वो उभरना मुश्किल हो जाता है, बट आप निखर के आए हो, तो उसके पीछे जो एक मेंटल मोटिवेशन रहता है आपके लिए क्या था?
मैडम सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ मेरा खुश रहने का या मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण मेरी माँ है। जब मैं बेड पर पड़ा होता था ना शुरुआती दिनों में एक दो साल, तो मेरी मैडम, क्योंकि ये कमरा है यहाँ मैं होता था, किचन बाहर थी, क्योंकि अच्छा। गांव का जैसा माहौल है, तो मेरी माँ जब अंदर से बाहर जाती, बाहर से अंदर आती, तो मेरी माँ के आंसू टपकते रहते थे, और ये देख के मुझे बड़ा दुख होता था। मैं उनको चुप तो नहीं करा सकता था, क्योंकि उनके पास जा नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। तो मैंने एक मतलब अपने दिल में ये गांठ बांध ली कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं हंसता रहूंगा। मैं हंसता रहूंगा तो कम से कम मेरी माँ खुश रहेगी, और आज तक मेरी माँ खुश है। हाँ, ये दुख कहीं ना कहीं उसके दिल में जरूर है कि उसका चलता फिरता बेटा आज व्हीलचेयर पे आ गया, आज उसको दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है, ये बात सच है। लेकिन उसके दिल में ये कहीं नहीं है कि मेरा बेटा कामयाब नहीं है या मेरा बेटा दुखी है अपने इससे, वो उनके दिल में नहीं है। मैं हंसता रहता हूँ, वो हंसती रहती है, और वो ही है जिन्होंने मतलब जिनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ। आप जब सपोर्ट की बात कर रहे थे, फैमिली फ्रेंड्स, एक फाउंडेशन लेवल पे भी गोस्पोर्ट्स ने आपको सपोर्ट किया है, उनके डोनर्स ने आपको सपोर्ट किया है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे फाउंडेशंस का होना इंडिया में, ताकि एथलीट्स आगे बढ़ सके, हम इंडिया को नए मुकाम पे पहुंचा सके। मैडम यहाँ तक मेरा मानना है ऐसे फाउंडेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी एथलीट, मैं समझता हूँ जो खास करके जो पैरा एथलीट आते हैं, वो ज्यादातर मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या काफी गरीब फैमिली से होते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है, और सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो कोई भी स्पोर्ट्स कर नहीं पाते हैं। और मैं यहाँ तक आर्चरी की बात है, तो आर्चरी इतना एक्सपेंसिव गेम है कि अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो आपको 3-4 लाख रुपए चाहिए। तो अगर गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, या मैं ये कहूंगा कि गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरह 10 फाउंडेशन ऐसी और होनी चाहिए, जो बच्चे को मतलब उनको ऐसे उसमें ऐसे लोग हों जो ऐसे बच्चों को, व्हीलचेयर वालों को, इसको पोलियो हो उसको, या किसी वजह से किसी के साथ कोई हादसा हो गया, उसको घर से ढूंढ के स्पोर्ट्स में लाए और उसकी सपोर्ट करें, ताकि हमारे देश में मेडल के चांस और बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो गरीब घरों के बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पाते, उनको ये सपोर्ट मिल नहीं पाती, तो कहीं ना कहीं फाउंडेशंस में ऐसे लोग होने चाहिए जो उन बच्चों तक पहुंचे, जो बच्चे आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन बच्चों तक पहुंचे और उनको सपोर्ट करें। और आप देखिएगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप रिजल्ट उसका आपको बहुत जल्दी दिखेगा। सही बात है सर। आपकी निजी जीवन में ऐसे फाउंडेशन या एज अ सपोर्ट आपको कितना हेल्प किया है? मैं मैडम ऐसे अगर आप कहो तो मैं सिर्फ गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को जानता हूँ बस, और मैं किसी ऐसी संस्था को नहीं जानता, या किसी ऐसी कोई संस्था मेरे पास आई नहीं जिसने मेरी हेल्प की हो। इसीलिए मैं गो स्पोर्ट्स को अपनी फैमिली मानता हूँ, क्योंकि ऐसी सपोर्ट सिर्फ एक फैमिली ही कर सकती है, और वही गो स्पोर्ट्स ने किया है। मैं कभी ये नहीं कहता कि गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, मैं दिल ठोक के कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ, मैं यहीं भी जाता हूँ वहीं ये बात कहता हूँ कि गो स्पोर्ट्स मेरी फैमिली है। मैं ये जानना नहीं चाहता कि उस फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि फैमिली जब आती है, आपके दादाजी होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपकी दादी होंगी, कोई जाएगा तो दूसरा आएगा। ये जाना आना भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। कोई जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आएगा, नहीं आएगा कोई, लेकिन फैमिली फैमिली होती है। और मैंने देखा है कि हर जगह जितना जो सपोर्ट फैमिली दे सकती है ना, वो कोई दूसरा नहीं देता। सही बात है सर। सर आपने नियम की बात की थी, एंड आप थोड़ी देर पहले ये भी बोल रहे थे कि आप 5 बजे उठते हो, एंड कितना इम्पोर्टेंट है ये एक एथलीट की लाइफ में एक रूटीन सेट करना, ताकि वो उस चीज को फॉलो कर सके, या अगर कोई कंपटीशन में तो भी वो हेल्प कैसे करता है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते? देखिए मैडम, मैं ये मानता हूँ कि जब आप अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो नेचुरली क्या होता है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, उस समय आपका सुबह उठना आपकी पूरी दिनचर्या आ जाती है, आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो, आप कितने बजे खाते हो। तो उससे क्या होता है ना, मैं ये मानता हूँ कि एक स्पोर्ट्स मैन जो होगा उसकी लाइफ और एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में काफी फर्क होगा। नॉर्मल आदमी अगर 40 साल जिएगा तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो 2 साल ज्यादा ही जिएगा,
क्योंकि डिसिप्लिन है। हाँ, सही बात। तो डिसिप्लिन वैसे भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो ये स्पोर्ट्स में आने से आप एक मतलब आपके अगर आप बनाना चाहो तो ना बनाना चाहो तो बहुत सारे एथलीट हमने देखे हैं जो 12-12 बजे भी उठते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो एक शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे काम चल जाएगा तो वो उठते नहीं। वो जरूरी नहीं है, वो आपके डिपेंड करता है कि आपको, क्योंकि जिंदगी में शक्ति जरूरी है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो टीचर, कुछ टीचर होते हैं जो सर पे हाथ घुमा के वह चले जाओ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके हाथ में डंडा होता है तो वो डंडा टीचर के हाथ में जब तक है तब तक आपको बुरा लगेगा वो टीचर, लेकिन जब आप पास आउट करके चले जाओगे, जिंदगी जीना, जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके पास आएगा तो आपको याद आएगा कि वो डंडा आपके लिए कितना फायदेमंद है। तो वो डंडा कोई दूसरा ना चलाए, इसलिए आप खुद अपने ऊपर चलाओ, वो बड़ा जरूरी है मैं ये समझता हूँ। तो अगर वो डंडा आपको खुद चलाना है तो आपके ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। आपको अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है, आपको जो भी करना है वो आपके मतलब वो आप खुद अपने आपको समझा सकते हो। दूसरा मैं आपको समझाऊंगा, कोई तीसरा आपको समझाएगा, उससे बात नहीं बनेगी। वो खुद अपने आपको आपको इतना मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप ये करो, उससे मुझे ये फायदा होगा, तो फायदा आपको दिखने लग जाएगा। सही बात है सर। ये आपका दूसरा ओलंपिक से, आपने पहले टोक्यो में पार्ट लिया था एंड अब आप पेरिस में जा रहे हो, तो अब से टोक्यो से लेकर पेरिस तक अब आपका मतलब क्या प्रिपरेशन, आपने कुछ नए तरीके से की है या एनवायरनमेंट को समझ के आप कुछ अलग कर रहे हैं या आप वही कर रहे हैं जो आप इतने टाइम से करते आए हैं? इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या माइंड सेट है? प्रिपरेशन का मतलब ऐसा है कि जब टोक्यो में गया था तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस कम था उस टाइम, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी हो गया था सब कुछ। लेकिन अभी मैं मानता हूं कि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन टाइम कम होने से मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, और एक्सपीरियंस ज्यादा होने से मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या है। तो मैं अपने दिन के गोल बनाता हूँ, जैसे आज के दिन का या आज के सुबह के सेशन का मेरा ये गोल है, शाम के सेशन का मेरा ये गोल है, वो गोल मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे वो गोल अचीव होते जाते हैं मैं उसमें एक एक पॉइंट बढ़ाता जाता हूँ। अच्छा। तो बस वही मेरा चलता है, कंपटीशन कोई आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अपने गोल है जिंदगी के, लाइफ के छोटे छोटे हर रोज के गोल है। तो मैं जिस दिन कंपटीशन होगा मैं उस दिन भी वैसे ही गोल बना के वहां पर खेलूंगा, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता। पेरिस मतलब पेरिस पैरालंपिक्स आपके लिए एक दूसरा इवेंट ही है। हाँ, क्योंकि अगर मैं उसको ये मान के चलूंगा ना ये ओलंपिक है जी, पैरालंपिक है, तो वो ना मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, और उस दिन जिस दिन कंपटीशन होगा तो उस दिन मेरी हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगी, मेरे प्रेशर, मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं डेली करता हूँ। तो इसलिए मैं उसको ज्यादा बड़ा, मैं उसको एक नॉर्मल कंपटीशन की तरह मान के खेलूंगा, तो ही मैं मतलब अच्छा कर पाऊंगा वहां। सही बात। सर आप टोक्यो में गए थे, वहां पे तब कोविड था, रेस्ट्रिक्शन था, तो अब पेरिस में एनवायरनमेंट डिफरेंट रहेगा, एंड कौन सा ऐसा एथलीट है या कौन से ऐसे कोच है जिनसे आप वार्तालाप करना चाहते हैं, जिसकी स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया है? ऐसे कोई है एथलीट जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पेरिस में? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दो चीजें कभी मैं पसंद नहीं करता। मैं एक तो घूमना फिरना, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 19 अप्रैल को सोनीपत आया था कैंप के लिए, और मैं 19 अप्रैल के बाद आज कैंपस से बाहर निकला हूँ। ना मैं बाहर का खाना पसंद करता हूँ, ना मैं बाहर जाना पसंद करता हूँ, ना मैं किसी दूसरे की स्टोरी पे विश्वास करता हूँ। उसने अच्छा किया है, उसकी स्टोरी है, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी स्टोरी है, हमारी है। आप उससे मिल के, आप मैंने आपको अभी बताया ना कि आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है, दूसरे की सुन के आप कितना कंट्रोल करोगे? वैसे तो YouTube पे काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या लोग उनको सुन के अमल करते हैं? आपको लगता है ऐसा? तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे की स्टोरी सुन के आप ऐसा हो जाओगे, ऐसा मैं नहीं मानता ऐसा। हाँ, कुछ चीजें होती हैं एक एथलीट की जो हमारे पिताजी भी सिखाते थे कि अगर बुरी आदत तुम्हारे अच्छे दोस्त में है ना, तो उस दोस्त को छोड़ दो, उस दोस्त को ही छोड़ दो, लेकिन अगर अच्छी आदत तुम्हारे दुश्मन में है ना, उस आदत को अपना लो। तो अगर कुछ आपको अच्छा दिखता है किसी एथलीट में दिखता है, हमारे देश में काफी सारे बड़े बड़े एथलीट हैं, अगर आप लोग उनमें कुछ अच्छा दिखता है आप अपना लो उसको, मिलके आप क्या कर लोगे, क्या बात कर लोगे? क्योंकि हो सकता है कि आप तो जमीन से जुड़े हुए चल रहे हो, जिससे आप मिलने जा रहे हो वो ऊंचे कद का हो, तो वो आपसे बात करे ना करे तो क्या करोगे आप?
तो इससे बेटर है कि किसी दूसरे के सामने जाके अपनी इंसल्ट कराने से बेटर है कि दूसरे को जय माता दी दूर से बोलो और अपने काम से मतलब रखो। आप जो बात बोली थी वो अच्छी आदत वाली, वो बहुत सही लगी। और कुछ कोई मैसेज आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके जो आपसे सीख रहे हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, जो जो बच्चे जो अभी पैरा आर्चरी शुरू कर रहे हैं उनके लिए? मैडम मैं एक ही बात सबसे कहता हूँ कि जब आप शुरू कर रहे हो, जिस कोच के पास भी आप शुरू कर रहे हो, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप नहीं, अब मैंने जिस कोच से सीखा आप उसके पास शुरू करो, नहीं। यहाँ आपको अच्छा लगे, आप कंफर्टेबल हो, आपका ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा, अब वहां स्टार्ट करो और जो आपका कोच बोलता है बस आंखें बंद करके वो करते जाओ, तो आपको फायदा होगा। आज आप मेरे पास ट्रेनिंग करोगे, कल किसी दूसरे के पास करोगे, परसों किसी दूसरे के पास करोगे, मैं जो सिखाऊंगा वो टेक्निक अलग होगी, कोई दूसरा सिखाएगा वो अलग होगी, तीसरा सिखाएगा वो अलग होगी, खिचड़ी बन जाएगी। आप अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे। अच्छे प्लेयर बनने के लिए आपने जिससे शुरू किया है आप उसके पास करते रहो, वो आपको नेशनल तक, अगर कोई कोच नेशनल कोच आपको नेशनल मेडल दिला सकता है ना, तो वो आपको इंटरनेशनल और पैरालंपिक मेडल भी दिला सकता है। उसमें कोचिस में कमी नहीं होती, कमी सिर्फ हम में है, हमें अपनी कमी को दूर करना है। कोचिस तो कोचिस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोच तो भगवान है, तो भगवान में कमी नहीं होती। आपने बहुत बड़ी बात कह दी जब आपने बोला कोचिस में कमी नहीं, हमें कमी होती है। तो आई थिंक ये सब हमें सोचने की जरूरत है कि हमें क्या कमी है। थैंक यू सो मच सर, आप आए यहाँ पे, वक्त दिया हमें, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पैरालंपिक्स। थैंक यू।